नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, प्रैक्टिस मैच के तीसरे दिन केएल राहुल ने लगाया ताबड़तोड़ शतक और साथ में जडेजा ने भी खेली ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी, जिसे देखकर कांप उठा न्यूजीलैंड। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन के द रोज बाउल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले के लिए क्रिकेट फैंस काफी उत्साहित हैं। फाइनल से पहले भारतीय टीम प्रैक्टिस मैच खेल रही है, जिसके तीसरे दिन केएल राहुल ने ताबड़तोड़ 82 गेंदों पर 125 रनों की नाबाद पारी खेली है, जिसमें उन्होंने 6 छक्के और साथ ही 12 चौकों की मदद से यह रन बनाए हैं। उनके साथ साथ इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी शानदार ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया है। केएल राहुल की यह पारी देखकर अब लग रहा है कि वह पूरी तरीके से फिट हैं, इसलिए उन्हें फाइनल में खेलने का मौका दिया जाएगा। IPL में हुई अपेंडिक्स की बीमारी के कारण एक वक्त ऐसा लग रहा था कि वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने उन्हें जल्द से जल्द ठीक करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तैयार कर दिया है और वह 3 जून को टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड भी रवाना हुए थे। और उनकी यह पारी देखकर उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना तो तय लग रहा है। लेकिन दोस्तों, अब देखना यह होगा कि आखिर राहुल को भारतीय कप्तान किस नंबर पर उतारेंगे, क्योंकि केएल राहुल ओपनिंग और नंबर 5 पर भी बैटिंग करने के लिए भारत के कई बार नजर आए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में देखना होगा कि वह फाइनल में किस नंबर पर बैटिंग करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी राहुल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।